पन्यातम 200 वाक्षी के समृद्ध वाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रयत्न किया जा रहा है पूरे देश का सबसे उत्कृष्ट सबसे सर्वश्रेष्ठ अन्न आप तक लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता। इस श्रृंखला में पिछले 5 साल से हम आपको बार बार वीडियो में बताते हैं 99% से ज़्यादा भोजन आज वाक्षी के अनुसंधान केंद्र के अंदर, वाक्षी को अनुसंधान केंद्र की कैटेगरी में 5 साल के बाद में डालते हुए हमें गर्व की अनुभूति हो रही है। अनुसंधान रिसर्च एनालिसिस तो पिछले 5 सालों से हम कर रहे थे, लेकिन अब जिस श्रेणी में हम आगे बढ़ना जा रहे हैं उसमें ना केवल इस देश का बल्कि पूरे विश्व का सबसे उत्कृष्ट अन्न उगाने के अंदर हमें लगता है हम 2 साल के अंदर पूरी मान्यता प्राप्त कर लेंगे, उसके अंदर हम अपनी कामयाबी हासिल कर लेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। तो क्या ऐसी चीज़ थी जो पिछले 5 साल में वाक्षी कर रही थी और अगले आज 2022 में जब ये वीडियो बना रहे हैं हमारा लक्ष्य है 2024 तक पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ अन्न आपकी रसोई तक लाने के हम काबिल बन जाएंगे। तो ऐसा क्या हम करने वाले हैं उस अन्न के अंदर जिसमें हम ये कहेंगे कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ अन्न है? एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आज इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कैसे पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ अन्न, आज की वीडियो जब आगे चलेगी तो हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ अभी तक हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं और अब कौन से ऐसे प्रकल्प हैं जिनके माध्यमों के साथ में जुड़कर पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अन्न को हम उगाकर और आपकी रसोई तक पहुंचाने में हम कामयाब रहेंगे। इस सीरीज में जो वाक्षी अपना लक्ष्य 2 साल का लेकर चल रही है, मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है आपके साथ में उस शख्स का परिचय कराते हुए जो पिछले 5 साल से अपनी मेहनत अपनी ईमानदारी के नाम पर जाने जाते हैं। मैं पूरे गर्व के साथ में सम्मान के साथ में आपको मिलाना चाहूँगा श्री अमितेश जी के साथ में। अमितेश जी की गौशाला है श्री कृष्ण अर्जुन गौशाला, नोएडा के अंदर है, सेक्टर 135 के पास है, सेक्टर 135 के पास में भाई साहब की गौशाला है। अमितेश जी ने जब गौशाला का, मैं डिटेल सेक्शन में इनकी वीडियो का लिंक शेयर करूंगा, हो सके तो उसको ज़रूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि एक गौशाला अगर सही आदर्शों के ऊपर स्थापित की जाए तो कितना तप है, कितनी तपस्या है जो उसके अंदर चाहिए होती है। एक बंजर भूमि को भाई साहब ने अपनी मेहनत के साथ में मात्र 4 साल के अंदर, ना आज वहाँ केवल पेड़ पौधे हैं, ना आज वहाँ पर देसी गायें हैं, बल्कि अब हर एक चीज़ शुद्धता के अपने प्रकाष्ठा को छू जाए ऐसे प्रकल्पों का अब भाई साहब उद्घोष कर रहे हैं। ईश्वर की हम दोनों के ऊपर कृपा है कि एक दूसरे का साथ हमें मिल रहा है जिससे शायद इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ अन्न का उत्पादन अब हम कर पाएंगे। अमितेश जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज आपके चैनल पर। सर जैसा हम अभी बात कर रहे हैं आज की वीडियो का हमारा लक्ष्य है सभी बंधुओं को ये बताना कि ऑर्गेनिक के अंदर भी जो अभी तक हम हासिल कर पा रहे हैं वो अभी तक पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ अन्न शायद नहीं है, उससे आगे का भी एक सफ़र है, उससे आगे का सफ़र ऐसा है जिसमें अन्न को पूरे अमृत बना दिया जाए जो शरीर को निरोग्य करने के अंदर, जैसे कहते हैं फूड इज़ द बिगेस्ट मेडिसिन ऑन अर्थ, हम उस अनुसंधान के अंदर उस एनालिसिस में उस रिसर्च के अंदर आगे बढ़ पाएं उसमें आज की वीडियो में आपका साथ चाहिए होगा। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा ये जो आटा है इसके बारे में बताएं कि इसके अंदर आपने क्या चीज़ ऐसी की है जिससे आपको लगता है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ आटे में इसको सम्मिलित किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए और आप भी जुड़े रहने से 5 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। इस अनाज में जो सबसे बड़ा खासियत है कि ऑर्गेनिक और जैविक में काफ़ी अंतर होता है। जैविक हम उसी को बोलते हैं जो देसी गाय के गोबर से खेती करके हम कर, कोई भी किसान कर रहा है किसी भी विश्व के कोने में तो उसको जैविक माना जाएगा। तो पहला शर्त तो यह है कि ये देसी गाय का गोबर से जो होगा वो जैविक कहलाएगा। तो हम सारे जो अपने खेतों में अनाज उत्पादन करते हैं अपने गाय के गोबर से ही करते हैं। अपने पास 90+ गाय गोमाता और मतलब गोवंश हैं अपने गौशाला में और उसके आधार पे हमारे पास जो खेत है उसमें हम खेती करते हैं। हमारा ये खुद स्वयं का गेहूँ उगाया हुआ है और गेहूँ उगाने के बाद हमने इसको स्प्राउट किया है गेहूँ को और स्प्राउट करने के बाद हमने इसको चक्की में पीसा है। हालांकि अभी ये मतलब हॉट प्रेस है चक्की, आगे हमारे पास हाथ का भी चक्की है, हम वो भी ऑप्शन देख के लेके आएंगे। और उसके बाद हमने इसको मतलब जैसे कल ही फ्रेश पीसा है आज इनके पास लेके आए हैं। आपके पास 10 से 15 दिन में ये पहुँच सब कुछ मतलब स्टॉक समाप्त हो जाता है। इस तरह से हम लोग चैनल बनाएंगे जैसे कि ज़्यादा पुराना होने पे आटा ख़राब होने के चांसेस होते हैं, तो अब ताज़ा आटा है। ताज़ा आटा। अब आप इस चीज़ को थोड़ा सा और समझिए कि बेसिकली किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, 2 साल में हमें हासिल क्या करना है। अभी तक आटे के अंदर आप 5 चीज़ें जानते थे जो वाक्षी के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है जो इस वक्त देश के सर्वश्रेष्ठ आटों में शुमार है। सबसे पहले हमने गेहूं धरती में डाला, तो ये गेहूं कौन सी, हम देसी गेहूं डाल रहे हैं धरती पे। धरती में जब देसी गेहूं डाली उसके बाद यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड हमने उसके अंदर कोई नहीं डाला। फिर जब उगने के बाद में अनाज आया उस अनाज को हम लेकर गए कहाँ पर, पंचक्की के अंदर जो पानी से चलने वाली चक्की है उसमें हम उसको पीसते हैं।
मोटा चोकर वाला आटा जो है वो हम आपको निकाल कर फ्रेश आटा देते हैं, और इस तरह का आटा जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव केमिकल ना हो, फ्रेश आप तक पहुंच जाए, तो ये देश का सर्वश्रेष्ठ आटा है जो वाक्षी पे अभी उपलब्ध है, बंसी घराट आटे के नाम से, 120 रुपये किलो कीमत है। तो आप कहेंगे जब ये देश का सर्वश्रेष्ठ आटा है तो इससे आगे की क्या रूपरेखा है, इससे आगे हम क्या चीज़ उगा सकते हैं? इससे आगे वो चीज़ अमितेश जी करने की कोशिश कर रहे हैं जो करनी बेहद ही जटिल है, काफ़ी मुश्किल है, जिसमें मेहनत चाहिए। क्या? अब आप समझिए, हल्का सा गैप ये है, जो देसी गेहूं हमने अनाज जो डाला ज़मीन के अंदर, और इससे जब गेहूं उग गई बिना यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड के, तो अभी तो क्या कर रहे हैं, इस गेहूं को सीधा जाके पंचक्की पे पीस रहे हैं। अगर हम इसको स्प्राउटेड कर दें, अंकुरित कर दें एक दो दिन में, और फिर इसका आटा पीसें, तो इस आटे की कीमत जो अभी आटा हम दे रहे हैं इससे दुगनी कीमत हो जाएगी, इसकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि जो बच्चा इसकी रोटी खा लेगा उसमें विश्व का कोई भी दूसरा व्यक्ति उसको अंकुरित करके हाथ की चक्की में या पंचक्की में पीसने का धैर्य रखे, ये केवल अमितेश जी जैसे व्यक्ति ही कोई कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है उसका बीज आ डाला गया, जिसमें अमितेश जी ने आपको पूरी ईमानदारी से बताया, अभी जो ये आटा है हमारा ऑर्गेनिक है, जिसमें यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड नहीं है, अभी हम इसको 3 महीने के अंदर और देसी भी करेंगे, और इसके अंदर जो है हाथ की चक्की में पीस पीस के इसको निकालेंगे। अभी इसके अंदर जो आपको अलग चीज़ मिल रही है वो ये कि एक तो ये 100% जैविक है, यानी यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड नहीं है, और दूसरा ये स्प्राउटेड है, यानी किसी भी दूसरे आटे के मुकाबले इसकी ताकत जो है वो 1 से 1.5 गुना ऑलरेडी पहुंच चुकी है, और मात्र इस वक्त जो इसका रेट है वो 95 रुपये के आसपास में एमआरपी में अपने को किलो के हिसाब से अभी 2022 में पड़ रहा है। आगे आगे जिस हिसाब से इसके अंदर खर्चे बढ़ेंगे, या इसके अंदर देसी गेहूँ पर हम इसको शिफ्ट करेंगे 3-4 महीने में, या अलग चीज़ें जो होंगी उसके हिसाब से हो सकता है फ्यूचर में इसकी कीमत बढ़े, लेकिन आज इसको लॉन्च किया जा रहा है। अभी किसी भी गौशाला में होता है ये जो पैकेट, आप इस पैकेट पे मत जाइएगा, ये तो पैकिंग जो है वो पैकिंग के क्षेत्र में हमने ली है, अब इसको प्लेन पैकिंग के अंदर हम अगली बार शोध कर देंगे। और इस विश्वास में हम आपको बता रहे हैं कि अगले 1-1.5 साल में जो अनाज अमितेश जी स्प्राउटेड आटे के फॉर्म में हमें देंगे, उस अनाज को विश्व के अंदर कोई दूसरा चुनौती दे सके, ये बहुत मुश्किल काम है। ये अनाज की श्रेणी में, गेहूं के अनाज की श्रेणी के अंदर सर्वश्रेष्ठ उपाधि अपनी हासिल करेगा। तो आज हम अमितेश जी के साथ में मिलकर एक ऐसी चीज़ की नींव रख रहे हैं जो 1 साल के अंदर पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आटा बन जाएगा। अभी इस आटे को हम मानते हैं कि 80% तक ये अपनी ताकत को पहुंच चुका है, जब हम इसमें देसी गेहूं और हाथ की चक्की कर देंगे तो ये 100% प्योरिटी के अंदर तेज़ी में ताकत में पहुंच जाएगा। तो ये आटा है जिसको आज आप सपोर्ट करिए इनकी गौशाला को, ताकि धीरे धीरे स्टेप के अंदर रेवेन्यू वाइज जो है ये बढ़ बढ़ के उसके हर एक पक्ष को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो तेल में भी वही है कि जैसे अनाज तो पूरा जैविक ही है, और सॉइल भी 3-4 साल से हम कर रहे हैं तो सब कुछ सही हो चुका है। ये कोल्ड प्रेस होता है, मतलब हम वो अंदर में जो ओडियन होता है उसके चलते ये कोल्ड प्रेस निकलता है, तेल छुएंगे तो बिल्कुल ही ठंडा निकलेगा, और जैविक सरसों का हो गया, और इसका जो खल निकलता है वो खल हम अपने गौ माता को देते हैं, क्योंकि हमारा वहाँ पे गौशाला और मंदिर सब कुछ है, तो हम इसको बेचते नहीं है, मतलब खल को हम गौ माता के लिए ही करते हैं। सही बात। तो ये खासियत, ये खास बात। तो सरसों के तेल के अंदर अब समझिए कि कहाँ पे पहुँच रहे हैं। अभी तक जो सरसों का तेल है वो क्या है, हमने सरसों का बीज डाला धरती के अंदर, देसी बीज डालना, अभी क्या, अभी बीज डाल रहे हैं हम वाक्षी पे, जो अभी तेल आ रहा है देसी बीज अभी नहीं पहुंच पाए सरसों पे, सरसों में भी कोशिश करेंगे धीरे धीरे देसी बीज पे घुसें, जो अमितेश जी के माध्यम से हम कोशिश करेंगे अगली बार के लिए। देसी बीज डालेंगे, देसी बीज डालने के बाद में आपने सरसों उगाई, उगाने के बाद में अभी क्या हो रहा है, अभी हम उसको वुडन प्रेस तरीके से निकाल कर दे तो रहे हैं, लेकिन जो बची हुई खल है वो मार्केट में बेच दी जाती है, जिससे आपके बच्चों के लिए क्या बनता है, हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान। जिस गौशाला के अंदर वो लगी हुई है कोलू, वहाँ से जब ये खल निकली तो इस खल के ऊपर अधिकार गौ माता का होना चाहिए पहला, क्योंकि उस गौ माता का दूध हमारे बच्चों तक आ रहा है। अब उस गौ माता को खाने के लिए जो है वो हम बाज़ार से कुछ थोड़ा बहुत खरीदते हैं और खिलाते हैं, जबकि जानी चाहिए इसकी खल जिसमें तेल की मात्रा अच्छी होती है और इससे दूध के अंदर जो है ताकत बढ़ती है। तो अमितेश जी को हमने ये कहा कि आप जो ये खल निकलेगी आपकी गौशाला के अंदर, इसको आप मार्केट में नहीं बेचें, आप इससे निकली खल को अपनी गौ माता को खिलाएं, उस गौ माता के अन्न को सर्वश्रेष्ठ करें, जिससे निकला दूध और घी जब हमारे घर के बच्चों तक आएगा तो वो ताकतवर बन जाएगा। तो इसकी खास बात क्या है, एक तो सामने कोलू के अंदर अभी भी मैं आपको बता दूं, जो अभी वाक्षी के माध्यम से वुडन पैस 350-400 रुपये लीटर तेल आ रहा है, सरसों के तेल की कीमत अगले 2-3 महीने में बढ़ने वाली है, वो तकरीबन 550। अभी क्या है, कोलू जितने भी हम अभी तेल मंगवाते थे, कोई दूसरे राज्य से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, अभी ये सारे कोलू जो है वाक्षी के इर्द गिर्द ही स्थापित किए जा रहे हैं,
ताकि जो एक एक कंसाइनमेंट निकले, एक एक तेल की बूंद निकले, वो हमारी नज़रों के सामने निकले और आप तक आने वाली चीज़ कभी आप भी आ जाएं। चेन्नई आप सामान मंगवाते हैं, आप आ गए, आप देखना चाहते हैं अमितेश जी भैया तेल निकलता है कैसे निकलता है, आपको कुर्सी दी जाएगी, बढ़िया छाट दी जाएगी, वहीं पर बैठिए गौशाला में पीजिए और देखिए कि सामने तेल कैसे निकलता है और क्या उसका भाव होता है, कैसे निर्धारित होता है, एक एक चीज़ ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको बताई जाएगी। तो ऐसा तेल जो है सरसों का निकाला जा रहा है जिसमें एक एक बॉटल जब आप खरीदेंगे तो वो गौदान के बराबर होगी। उसके अंदर आपने हर तेल निकालने के अंदर उसकी खल से अपनी गौ माता को दुनिया का सबसे उत्कृष्ट ग्रास उस तक पहुँचाया जिससे उसके शरीर में ताकत पहुँची। इस अपेक्षा के साथ में इसको जो है तेल को लॉन्च किया जा रहा है जो प्योर वुडन पेस्ट ऑयल के नाम से आप तक पहुँचेगा। इसके बाद में जैसे हमने बताया ये तेल है, इसके बाद में हम अमितेश जी के साथ में मिलकर उस घी का उत्पादन करना चाहते हैं जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ बनेगा। अमितेश जी घी के बारे में बताएं दर्शकों को, हम क्या करने की सोच रहे हैं और क्या चीज़ करेंगे जी। हाँ जी, तो गौ माता जो है हमारी देसी, उनका जो घी है वो आयुर्वेद में काफ़ी उसका वर्णन है, इनके सारे प्रोडक्टों का। घी जो हम दही से बनाते हैं वो सबसे मतलब शरीर के लिए लाभदायक और स्वास्थ्यवर्धक माना गया है हमारे शास्त्र में और आयुर्वेद में, जिसको हम बिनौला पत्ती से बोलते हैं। तो हम लोग मिट्टी के बर्तन में गर्म करते हैं, हमारा जो उपले होता है गौ माता का उसी के ऊपर गर्म भी करते हैं, तो जो भी उसमें धुएं हुए थोड़े बहुत जाते हैं तो वो देसी गौ माता के गोबर का ही धुआँ जाएगा उसमें। उसके बाद हम उसको मिट्टी के बर्तन में जमाते हैं, सुबह हम उसको ब्रह्म मुहूर्त के आसपास बिनौले पत्ती से हाथ से मत के निकालते हैं। अभी हम कर रहे हैं, हमारे पास कर रहे हैं, हमारे पास पहले प्रोडक्शन थोड़ा कम था बिल्कुल, अभी धीरे धीरे गौ माता बढ़ी है 4 साल में, तो अब हम इसलिए इस लेवल पे आए हैं, मतलब हमने उसको करते आए हैं 3-4 सालों से। सही बात, और विगत 3-4 वर्षों में काफ़ी लोगों को दिया है, सब लोगों ने काफ़ी प्रशंसा किया है और काफ़ी संतुष्टि से खा रहे हैं बिल्कुल। तो एक तो ये हो गया कि प्रोसेस जो है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल है, और उस केस में जितनी गौ माता है वहाँ पर हमेशा सुबह से शाम तक वैदिक मंत्रों का उच्चारण रहे। आगे आ रहा हूं। बहुत हाँ जी बताएं कि हमारा जो गौशाला है वो 3 भागों में बटा हुआ है। एक हमारा आध्यात्मिक पर्पस के लिए यूनिट है, सेकेंड हमारा गौ माता कराने का स्थान है, तीसरा उनका ग्रेजिंग के लिए फील्ड है और हमारी साग सब्जियाँ उगती हैं और सब कुछ होता है। तो हमारा मंदिर में सुबह शाम पूजन होता है, पहले गौ माता का दूध शंकर भगवान के ऊपर चढ़ता है, उसके बाद हम उसको प्रयोग में या किसी के यहाँ भेजते हैं, अगर भेजते भी हैं तो बिल्कुल। तो हमारा कमिटमेंट है कि पहले हमने भगवान पर चढ़ाया, जो दूध उनको चढ़ाया वही दूध आपको भेज रहे हैं, कोई मिलावट ना करे, कल हम रहें ना रहें हमें कैसा सिस्टम देके जाएं, सही बात, ताकि लोगों को एक रहे कि नहीं पहले भगवान पर चढ़ता है ये प्रसाद के रूप में, उसके बाद जाता है बिल्कुल। दूसरा है कि हम शाम में और सुबह में भजन आरती करते हैं, हर सोमवार को कीर्तन होता है, श्रावण मास में पूरा महीना कीर्तन चलता है, और जब भी कोई फंक्शन आता है जैसे जन्माष्टमी अभी पीछे गया या कोई भी है, तो उसके ऊपर जो भी हम कर पाते हैं अपने छोटे से जो भी प्रयास है उसमें हम लोगों को बुलाते भी हैं, भंडारा वगैरह भी होते रहता है वहाँ, तो वहाँ एक जो मतलब जो वातावरण जो देने का प्रयत्न किया है गौ माता को, बोला गया कि जहाँ वो निर्भय होकर श्वास लेती हैं, सही बात, जहाँ वो प्रसन्न रहती है वहाँ साक्षात परमेश्वर का वास होता है, सही बात। तो हमने उसी कॉन्सेप्ट के लिए गौशाला खोला भी था, अभी गौशाला को सस्टेन करने के लिए या गौ माता को खाने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए हम लोग इतना गौ माता के आशीर्वाद से ये सब कर पाए हैं और करने के और आगे प्रयत्न करेंगे। जो गौ माता का दूध है अभी बछड़ों के लिए क्या व्यवस्था है, क्या उसमें कितना थन दूध हम उसको दे पाते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था? अभी ऐसा है कि जो हम बछड़े को पहले छोड़ते हैं दूध के लिए वो पी लेता है, ठीक है, उसके बाद हम उसमें से दूध निकालते हैं, उसके बाद भी वो पीने के बाद भी दूध बच जाता है, क्योंकि हमारा अगर 90+ गाय है फिर भी हम सुबह का 12 से 15 लीटर ही दूध निकालते हैं, मतलब हम लोग न मशीन लगाते हैं न हम कोई उसको इंजेक्शन देते हैं, हमें कोई गौ माता को कष्ट नहीं देना, हम ये सब प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे उनका, हम दूध पे फोकस नहीं है, दूध और घी हम उनसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। बहुत सुंदर। तो आपने हमारी वीडियोस में पहले भी देखा होगा कि गौ माता की सेवा करनी है केंद्रों में, आजकल वीगन का कॉन्सेप्ट है, दुनिया कहते हैं क्यों गौ माता को, अरे भाई गौ माता की अगर सेवा, माँ के समान अगर उसकी सेवा कहीं किसी केंद्र में होने लग जाए और उससे आने वाले उत्पाद को प्रसाद रूप में बांधकर अगर ग्रहण कर लिया जाए, ये इन सारे उत्पादों को विश्व के सबसे टॉप उत्पादों की लिस्ट में लेकर जाएगा। जैसा मैं बता रहा हूँ भाई साहब की गौशाला को हम कोई उत्पादन जनरेशन का केंद्र नहीं बनाना चाहते, इसे हम भारतीय संस्कृति के उत्कृष्ट अनुसंधान केंद्र के रूप में जो है कल को स्थापित करना चाहते हैं। आज हो सकता है कि हम इन सब की चीज़ों की कीमत, क्योंकि कई लोग होंगे जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे होंगे,
उनसे निवेदन है कि बाकी पीछे की वीडियोस देखें 5 साल की, तो आपको पता चलेगा क्या कार्य किए जा रहे हैं। जो बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ को समझें कि लगातार अनुसंधान कर करके हमें अन्न को इस जगह पे लेके जाना है कि जहाँ पे अन्न का एक दाना आपने ग्रहण करा और वो अमृत समान शरीर के सारे रोगों को ख़त्म कर दें, औषधियों के अंदर जो है उसकी श्रेणी पहुँच जाए, ऐसी जगह पर हम इसको लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कार्य मैंने 5 साल से कह रहा हूँ, ये कार्य केवल और केवल गौशालाओं के अंदर ही हो सकता है। तो वाक्षी के द्वारा प्रयास रहेगा अगले 2 सालों के अंदर जितनी गौशालाओं के संपर्क में हम आ रहे हैं उनको इस प्रकार के अनुसंधान केंद्रों के अंदर उनको स्थापित करना। चावल के बारे में सर हम जानना चाहेंगे, चावल के ऊपर हमने क्या सोचा है कि किस तरीके से हम अलग कार्य करना चाहते हैं? देखिए, सब सारे जो हमारे अनाज हैं वो तो कॉमन है कि हमें जैविक करना है बिल्कुल, और रसायन का प्रयोग बिल्कुल भी करते ही नहीं। और इसमें हल्की सी मैं बात बता दूं, अभी आपको मितेश जी ने एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी, जब हम ऑर्गेनिक लेते हैं तो वाक्षी पे भी हम कैसे चेक करते हैं, कोई इंसान हमें भेज रहा है, हम उसका पेस्टिसाइड टेस्ट करा देते हैं। पेस्टिसाइड टेस्ट ना होना एक अलग बात है, लेकिन उसकी जैविक खेती वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से हुई है, विदेशी केचुए के माध्यम से हुई है, कि देसी गाय के गोबर से हुई है, इसकी पुष्टि करना बेहद मुश्किल कार्य है। ये कार्य केवल गौशालाओं में हो सकता है जहाँ पे बाहर की वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल हुई है, बिना अपनी देसी गाय के गोमूत्र और गोबर के ही केवल इस्तेमाल से ये कार्य हो सके। वो अमितेश जी आपको बताना चाह रहे थे कि ये जो आटा, ये गेहूं, ये चावल जब हम उगाएंगे, अभी तो हमने काफी हद तक सफलता इसमें हासिल कर ली है, और 1 साल बाद जो निकल कर अन्न आएगा प्रखरता के साथ में, वो चीज़ जो है वो आपको बताएगी कि अगर देश में आप भी कभी ऐसी गौशाला में जाएंगे तो आपको बच्चों को दिखाने को मिलेगा कि ये वो अन्न है जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ जो है उपाधि इसको प्राप्त है और क्यों प्राप्त है। अब चावल के बारे में बताएं जी, तो चावल पे भी आते हैं कि जो चीज़ कॉमन है वो तो कॉमन है, जैविक है वो। दूसरा है, चावल में हम 2-3 कैटेगरी लेकर आना चाहते हैं। एक तो है कि उसके देसी नस्ल पे कैसे काम करते हैं गोवंश के, उसी तरह से देसी बीज पे काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर। हम उसके लिए सीड भी प्रिजर्व किए हैं, कई सीड हमने बना भी लिए, अगली बार हम आपको सीड भी लेके आएंगे सैंपल के लिए, आपको ग्राहकों के लिए, कि इनको अगर लगाना है तो सीड भी लगाएं। सही बात। तो हम देसी चावल का बीज लेके आएंगे। हमारे और भी आश्रम 3-4 जगहों पर हैं, तो हम जहाँ पर जैसे झारखंड में है तो वहाँ का जो चावल है, वेराइटी है, वो भी लेके आएंगे। और दूसरी चीज़ है कि चावल जैसे एक मशीन में निकलता है तो उसमें पॉलिश लगा देते हैं, चमकने लगता है, तो लोगों को काफ़ी देखने में अच्छा लगता है, बट वो खाने के लिए हानिकारक हो जाता है। सही बात। तो एक तो हम ओखल से कूटेंगे, दूसरा हम इसको ना उबाल के, जो बोलते हैं बॉयल राइस, कि पहले हम धान को बॉयल करके तब हम उसको उगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्टार्क का जो मात्रा और बढ़ जाता है, मतलब लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। एक तो वो चावल लेके आएंगे, तीसरा है कि ओखल में कूट के लाएंगे, और चौथा नॉर्मल मशीन में, कि कई लोगों को वो भी चावल चाहिए होता है। तो ऐसे चावल पे हम कई वैरायटी पे काम ना करके कुछ स्पेसिफिक 5-6 ब्रांड होगा, जैसे कतरनी, सोनम, सोना मसूरी और बासमती, ऐसे काला नमक चावल है हमारे पास में, जोहा चावल है हमारे पास, गोविंदो भोग है हमारे पास में, कतरनी है। अभी भाई साहब को हमने निवेदन किया है कि कतरनी जो है ये एक बहुत बेहतरीन चावल है बिहार का। ऐसी चीज़ों के अनुसंधान हम शुरू होंगे, जो देसी चावल की केवल वैरायटीज होंगी उनको पिक किया जाएगा। काला नमक एक चावल सुनने में आया है, देसी चावल है, बहुत सारा अभी हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन एक एक चीज़ को जो है हम निकाल कर लेकर आएंगे कि वो देसी भी हो और इस तरह से निकले। दूसरी एक और एक एक चीज़ है जिसके ऊपर अनुसंधान की आवश्यकता है, वो ये कि जो बीज होता है, जो धान जिसे हम बोलते हैं, उसको जब हम लगाते हैं तो उसमें से फसल उगती है, लेकिन जो चावल होता है जिसको हम खाते हैं उसको लगाएंगे तो उसमें से जर्मिनेशन नहीं होता है। क्या ऐसी चीज़ को आप तक पहुंचाया जा सकता है जो ऐसी जगह पे हो, मतलब जो ऐसी हो जो धान तो खा नहीं सकते लेकिन उसको कूटने के बाद में उसको ऐसे लेवल पे रोक दिया जाए जहां पे हम दोबारा लगाएं तो बीज भी जर्मिनेट हो जाए, उसको लाइव फूड की कैटेगरी में डाला जा सकता है? आपने बहुत बार सुना होगा, सदगुरु हैं, ईशा मूवमेंट के साथ जुड़े हुए, उन्होंने बहुत बार बताया कि हमें लाइव फूड खाना चाहिए। लाइव फूड मतलब जिस बीज के अंदर जान है, वो जब प्राण है वो हमारे प्राणों के साथ में जब मिलेगा तो चीज निकलेगी। तो जब हम गेहूं को स्प्राउटेड कर रहे हैं, गेहूं को स्प्राउटेड करने का मतलब है इसके आटे के अंदर हमने जान ये प्राण अपने साथ लेकर चल रहा है। इसी तरीके से चावल हो गया, इसी तरीके से सरसों हो गई, जो भी चीज है, क्या उनके अंदर प्राण है जब हम उसको सेवन कर रहे हैं? ये अनुसंधान का विषय जिसके बारे में अभी हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन कल को अपने ही केंद्र के अंदर इस तरह की चीजों के ऊपर शोध करके वैसी चीजों को ऊपर लेकर आना, इसका प्रयास हम करेंगे। अंत में आपको एक केवल आइडिया देना चाहते हैं, जैसा भाई साहब को देखा, और जिन बंधुओं ने वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपको इनकी गौशाला एक बार दिखेगी कि बेसिकली कार्य क्या हो रहा है और क्या क्या 4 सालों में इन्होंने क्रिएट किया है।
महादेव का बहुत सुंदर मंदिर है, जहाँ पे भाई साहब बता रहे हैं कि कीर्तन लगातार जो है वहाँ पे हर रोज सुबह यज्ञ होते हैं। तो ये जब कह रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में ये अपने घी को मथेंगे, ये कार्य हो ही वहाँ सकता है जहाँ रोज सुबह महादेव की पूजा होती हो और जहाँ ये कीर्तन और हर रोज सुबह यज्ञ हवन शुरू हो जाए, तो वहीं पर केवल ये कार्य हो सकते हैं। सर भस्म के बारे में बताएं, ये तीन तरह की भस्म है जो आप लेकर आए हैं, इसके ऊपर हम अनुसंधान में बताएंगे। देखिए किस चीज़ के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, अमितेश जी और मैं इसका सेवन कल से शुरू करेंगे, आपके ऊपर अब आधारित है, आप करना चाहें आप कर सकते हैं। अभी बच्चों के अंदर शुरू मत करिएगा, पहले खुद इसको कम से कम 3-4 महीने, क्योंकि हमारे लिए नया विषय है, हम खुद इसको 5-6 महीने पहले ही खुद यूज़ करके देखेंगे, आपको लगे तो खुद यूज़ करके देखें। आयुर्वेद में इसका वर्णन ऑलरेडी है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, आपको ठीक लगे, और बहुत सारे नेचुरोपैथ है जो इसको बताते हैं। तो लेकिन हर चीज़ को जब तक हम खुद अनुभव ना कर लें तब तक हम कहते हैं बच्चों तक अभी मत लेके जाइए। आपकी अगर उम्र है 40-50 साल है और आपको लगता है आप भी इस रिसर्च में हमारा साथ देना चाहते हैं तो इस पर शुरू करेंगे। भाई साहब भस्म का बताएं, तीन तरह की भस्म दिख रही है, क्या चीज़ है ये और कैसे निकाली गई है? एक तो जिस पे हम दूध गर्म करते हैं उपले पे, तो प्रतिदिन हमारा दूध गर्म होता है शाम को जी, तो उसके जो राख निकलते हैं उसको हमने छान के लाया हुआ है, चूल्हे की राख है, चूल्हे की राख लेकर हमारे घर में जो भी बर्तन है अभी हम क्या करते हैं केमिकल से वॉश करते हैं, तो केमिकल से वॉश करते हैं सारा केमिकल कहाँ जा रहा है, नदियों में, और नदियों में जाने के बाद क्या वापस उस समय को लेकर आया जा सकता है जिसमें राख का इस्तेमाल बर्तनों को साफ करने में इस्तेमाल अच्छा। किया जाए? अगर आप कर सकते हैं, हम भी अपने घर की गृहिणी को मोटिवेट करेंगे, आप भी कोशिश करिए, अगर किया जा सकता है तो ये पैकेट जो है ये आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, मिनिमल कॉस्ट के अंदर उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि घरों के अंदर ये संस्कार जो उत्पन्न हो जाए और इस तरीके से राख का इस्तेमाल जो है वो शुरू हो जाए। अगर ये अच्छे तरीके से इस्तेमाल होगा तो इसकी कॉस्ट को भविष्य में जाके और कम हम करने की कोशिश करेंगे। अगर लोगों ने इसको संस्कार को ग्रहण किया तो हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक ये पहुँचे, अच्छी कोशिश रहेगी, इसीलिए इसको बड़ा पैकेट बनाया गया ताकि जल्द से जल्द लोगों तक पहुँचे और इस संस्कार को हम आत्मसात करें। दूसरी सर क्या? दूसरी ये महादेव भस्म है जो हम यज्ञशाला में प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, हाँ उसके लिए ये बनाया गया है। इसमें आम का लकड़ी, देसी गाय का घी, उपले उनके, और कपूर बहुत कम मात्रा में कपूर और वो धूप चंदन का जो लकड़ी होता है, इतना 5 आइटम तो इसमें होता है। तो अब ये क्या है, हर रोज सुबह आपको पता है कि अपनी यज्ञशाला में हवन करते हैं। अब होता क्या है, जब महादेव की हम उपासना करने जाते हैं तो महादेव को भस्म चढ़ती है, पहले किसी समय में शमशान से आती थी, अब वो लेकर नहीं आ सकते हम, तो क्या किया जाता है, देसी गाय के गोबर से बनी हुई भस्म उसके लिए बहुत उत्तम है। हमने भाई साहब से निवेदन किया जो हर रोज सुबह आप यज्ञ करते हैं, अब उसमें सारी शक्तियां स्पिरिचुअल पावर्स हैं, उससे जो भस्म निकलेगी उस भस्म को हम महादेव को चढ़ाने के लिए जो है इस्तेमाल करेंगे, खुद के अब खुद के ऊपर भी लगा सकते हैं अगर भस्म लगाना चाहते हैं तो, खासकर जो महादेव के भक्त हैं उनके लिए ये यज्ञशाला भस्म जो है बनाई जाएगी, जिसका इस्तेमाल जो है, जिसका उपयोग जो है आप शिवरात्रि पे कर सकते हैं, सावन के महीने में कर सकते हैं, महादेव की उपासना के लिए ये भस्म उपयुक्त मानी जाएगी, उस भस्म को हम इस तरीके से आपको प्रोवाइड करेंगे स्वच्छता के साथ। और तीसरी भस्म ये किस लिए? इसमें क्या है कि ये जो भस्म है प्राणवायु, ये मैं स्वयं जो अपने घर पे करता हूँ इसको हवन स्पेशल करके, इसमें एक गुड़ जुड़ जाता है, प्रतिदिन इसमें गुड़ डालता हूँ जी, और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो सेम होता है, आम का लकड़ी, कपूर और उपले और धूप जी, ठीक है, और इसको भी सुबह में होता है, ये सुबह शाम दोनों टाइम होता है जी, इसमें गुड़ ऐड ऑन होता है, इसमें गुड़ नहीं पड़ता है अभी फिलहाल। और दूसरा चीज़ है कि ये जो भस्म है इसमें शुद्धता का खाने के लिए थोड़ा इससे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो ये बेसिकली ये प्राणवायु भस्म है, इसका मैं आपको बता रहा था आयुर्वेद के ग्रंथों में क्या वर्णन है, चुटकी भर अगर इस भस्म की हम पानी में डालकर पीना शुरू कर दें तो इससे शरीर की प्राणवायु बढ़ती है। अब आज आप समझ रहे हैं हमारे बच्चे आरओ का पानी पी रहे हैं, शरीर से मिनरल खत्म हो रहा है, शोध इस विषय के ऊपर अब करना आरंभ हम करेंगे कि जब इसको पानी में हम डालते हैं तो शरीर में क्या कुछ परिवर्तन आता है 3-4 महीने में, जिसको पाचन तंत्र में या परिवर्तन कुछ भी हमारे शरीर के अंदर महसूस होता है, जिससे हम जो है समझ सकें चीज़ों को। दूसरी बात, इसके ऊपर अभी हम मसल टेस्ट आगे करके देखेंगे, जो आपको पता है वाक्षी के द्वारा किया जाता है कई बार। इसके बाद में जो है इसका जो पानी होगा जो इससे क्रिएट करते हैं उसको हम जो है टेस्ट करवा कर देखेंगे कि उसकी क्या गुणवत्ता निकलती है क्या नहीं निकलती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को जो है वो कोशिश किया जाएगा। और इसमें जब सफाई के अंदर हम इसको बना रहे हैं, अब इसमें क्या है कि ये यज्ञशाला के अंदर है, लेकिन यज्ञशाला एक बड़ी यज्ञशाला होती है, कहीं कोई भात का कीट पतंगा इम्प्योरिटी ना आ जाए, इसके लिए इसको पूरी सावधानी के साथ भाई साहब के घर में पूरे स्वच्छता के साथ में इसका गोबर तक जो होगा वो कपड़े के अंदर जो है वो सीधा लिया जाए, ज़मीन पे ना पड़े, इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के जो है इसका निर्माण किया जाएगा।
तो प्राण वायु जो हमारे पास भस्म है वो अब से उपलब्ध रहेगी, इसका सेवन करना आरंभ कर सकते हैं। मैं और अमितेश जी कल से शुरू कर देंगे और इस पर अनुसंधान और इस पर रिसर्च जो है हमारी शुरू हो जाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगले 2 साल के अंदर जो वाक्षी अब आगे बढ़ रही है, अगर ईश्वर का आशीर्वाद रहा, आप सबका आशीर्वाद रहा, तो ये वो दिशा है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी शुरुआत के अंदर काफ़ी हद तक सफलता अच्छी चीज़ों की मिल गई है, जिससे अच्छी शुरुआत आपके घर में की जा सकती है। अमितेश जी उत्पाद आप तक पहुंचाने के अब बिल्कुल सबल हैं, कर सकते हैं, और जैसे जैसे इसमें धीरे धीरे अनुसंधान होता जाएगा उसकी कैटेगरी और उसकी उत्कृष्टता जो है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और भाई साहब जो आप वाक्षी की ऐप में जब जाएंगे तो ऐसे केस के अंदर हम भाई साहब की गौशाला का अलग से उसके प्रोडक्ट्स जो है वो वर्णन करेंगे, कोशिश करेंगे अलग से उसकी कैटेगरी बनाई जाए। आप भी भाई साहब का, अब भाई साहब का ब्रांड जो लॉन्च किया गया, क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन गौशाला है तो हमने ब्रांड का नाम पार्थ ब्रांड जो है वो सोचा है, और पार्थ के नाम से जो है इन सारे उत्पादों को उत्पादन भी किया जाएगा और आप तक पहुंचाया जाएगा। निवेदन हम ये करेंगे, इन सारे उत्पादों को ग्रहण करने का मतलब तभी है जब आप कभी भी जीवन में एक बार इनकी गौशाला में आए ज़रूर। समय अगर निकले तो बच्चों को लेकर ज़रूर आए, पता होना चाहिए बच्चे को किस मिट्टी से कौन सा अन्न मेरे लिए उगकर आया और कैसे वो मुझ तक पहुँचा। हमें उम्मीद है इसका आप ध्यान रखेंगे, और वाक्षी ने जो ये नई शुरुआत अगले 2 साल के लिए लक्ष्य लेके जा रही है, इसके अंदर भी आप हमारे हमें आशीर्वाद देंगे ताकि इसको करके बच्चों के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ अंक को हम ला सकें। भारत वंदे मातरम।